हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे हुंडई ग्रैंड आई10 की कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हर कोई एक इंडियन फेस जरूर करता है इस गाड़ी के साथ, या फिर अगर कोई भी यूज्ड कार मार्केट में ग्रैंड आई10 को लेने जाता है और उसमें उसको ग्रैंड आई10 के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें अच्छाई है और क्या क्या बुराई। तो उन्हीं कुछ 8 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। ग्रैंड आई10 आइकॉनिक व्हीकल रही है जो कि डोमिनेट करती है हैचबैक सेगमेंट को। 2013 में हुंडई ने इसको लॉन्च किया था और एज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हुंडई आई10, यहाँ पे आप रेड कलर की आई10 देख सकते हैं, इसका अपग्रेडेड वर्जन ग्रैंड आई10 लॉन्च किया था। एंड करेंटली अब आपको नियोस देखने के लिए मिलती है एंड मोर देन 8 इयर्स ये इंडियन मार्केट में रही है एंड बहुत ही अच्छी सेल्स रही है इसकी। मोर देन 15 मिलियंस में सेल गई थी इसकी। एंड ये ओवरऑल पैकेज है, चाहे आप इसके गुड लुक्सिंग ले लें, इंजन ले लें, फीचर्स ले लें, मतलब सब चीज़ में ये फीचर लोडेड आती थी और लुक्स एंड स्टाइलिंग वाइज भी बहुत ही प्रीमियम लगती है ये, और यंग यूथ के लिए ये बहुत ही मस्त गाड़ी है। कोई चीज़ अगर अच्छी होती है तो उसकी बुराई भी ज़रूर होती है, तो आज हम उन्हीं कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो हुंडई आई10 के साथ फेस की जाती है। स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम से, जो कि है इसका क्लच। चाहे हो पुरानी वाली जनरेशन या फिर ग्रैंड आई10, हर आई10 में आपको ये क्लच वाली कॉमन प्रॉब्लम ज़रूर देखने के लिए मिलती है। एंड बहुत कस्टमर्स ने रिव्यू दिए हैं कि 10,000 से 15,000 किलोमीटर पर ही इसकी क्लच प्लेट पूरी चली जाती है। ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हुंडई ग्रैंड आई10 और आई10, हर आई10 के साथ। और वहीं आते हैं अपने सेकेंड पे, जो कि है इसका हेडलाइट एडजस्टमेंट। वैसे ये प्रॉब्लम मेरे को तो आज तक फेस हुई नहीं है, बट मैंने बहुत कस्टमर्स के रिव्यू देखे हैं कि उन्होंने बताया है कि यहाँ पे आपको ये जो हेडलाइट एडजस्टमेंट दिया गया है इसकी क्वालिटी बहुत चीप दी गई है। ये ग्रैंड आई10 है, इसमें आपको इतनी अच्छी चीप क्वालिटी नहीं मिलती है, बट इसकी प्रीवियस जनरेशन जो थी, वो जो रेड वाली आप देख रहे हैं, उसमें आपको चीप क्वालिटी भले ही देखने को मिल सकती है, बट इस वाले में मेरे को ऐसी कोई सच प्रॉब्लम फेस नहीं होती। चाहे दिन हो या रात, इंडियन रोड्स पे आपको लाखों ग्रैंड आई10 देखने को मिलती है। ये हेडलाइट एडजस्टमेंट वाला इशू 2015 से 2018 में जो ग्रैंड आई10 की सेल्स हुई है उसमें हेडलाइट एडजस्टमेंट का बहुत ही कॉमन इशू था। बहुत ओनर्स ने कंप्लेंट की थी कि ये एडजस्टमेंट वाला स्विच ख़राब हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली है कि इसकी चीप क्वालिटी की वजह से और कॉस्ट कटिंग की वजह से, बट मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम सच नहीं लगती इस कार के साथ। बट हाँ, इसका थ्रो इतना अच्छा नहीं है, ये थ्रो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है इस गाड़ी का। बाकी ओवरऑल लुक वाइज सब चीज़ हर मामले में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, आपको इतना अच्छा थ्रो नहीं मिलता है राइट में, बट हाँ आप आफ्टर मार्केट में लाइट अपग्रेड कर सकते हैं। वहीं आते हैं थर्ड, इसकी थर्ड कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है इसका रिवर्स गियर एंगेजमेंट। यहाँ पे आपको कभी कभी इसमें आपको जब भी हम रिवर्स गियर अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको ये पहली बार में नहीं लगता है, इसमें आपको 2-3 बार ऐसे बार बार ट्राई करना पड़ता है जब जाके ये एंगेज होता है। ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे कस्टमर्स ने फेस की है, और मेरे को भी 1 साल हुआ है, ये प्रॉब्लम तो मैंने भी 1-2 बार फेस कर रखी है। एंड फिर आते हैं इसके अगली प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है इसका एसी। ये एसी मेरे को भी 1 साल हो गया है इस गाड़ी को चलाते हुए, मैंने भी ये यूज्ड कार ली थी, ये प्रॉब्लम ऐसी है जो मैंने भी फेस कर रखी है, और वो भी 2 बार, जब हमने ये कार ली थी और हमें 1 ईयर हुआ था और इसके एसी में प्रॉब्लम आ जाती है। एंड एसी कूलिंग ही नहीं करता भाई इसका, इसकी कूलिंग कॉइल में बहुत जल्दी ख़राबी आ जाती है। एंड बहुत सारे ओनर्स की भी कंप्लेंट रही है इसके एसी की रिगार्डिंग, या तो कूलिंग नहीं करता या हीटिंग, और सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इसके एसी वेंट्स से। यहाँ पे आपको इतना अच्छा थ्रो नहीं मिलता है इसके एसी वेंट्स में, बट ये प्रॉब्लम मेरे को भी फेस हुई है, तो मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि ये इसकी एसी वाली प्रॉब्लम एकदम जेन्युइन है, इसमें ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है। फिर आते हैं सेकेंड नेक्स्ट उसके पास, जो कि है इसकी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मेरे को एज सच तो कुछ नहीं लगती, अनदर मेजर है इसका इशू ब्रेकिंग का, बट मुझे भी इसके ब्रेकिंग में एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती। बट हाँ, इसके ब्रेक थोड़े और इम्प्रूव हो सकते हैं, बाकी कस्टमर को इसके बारे में प्रॉब्लम आती है, एंड स्पेशली जो रियल ब्रेक हैं इसमें जो आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलते हैं, उसको चिपकने की दिक्कत मैंने देखी थी जो बताया लोगों ने, बट एज सच मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, तो मैं इस
प्रॉब्लम को कॉमन प्रॉब्लम कंसीडर नहीं कर सकता। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम के पास, जो कि है इसके स्टीयरिंग की मोटर। मैंने बहुत रिव्यूज़ देखे हैं और कस्टमर्स ने बताया है कि स्टीयरिंग मोटर का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग हैवी या लाइट हो जाता है चलते चलते। बट ये प्रॉब्लम भी मेरे को एज सच कोई भी फीलिंग नहीं हुई है। मेरे को भी अराउंड 1 ईयर हो गया इसको ड्राइव करते करते, बट मेरे को एज सच ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। जो जो मेरे को फेस हुई है वो सब मैंने आपको बताई, जैसे कि एसी, रिवर्स गियर एंगेज करने में ये सब प्रॉब्लम। हाँ, मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने भी ये सब प्रॉब्लम फेस की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की बारे में, जो कि है इसका सस्पेंशन। यहाँ पे आपको फ्रंट में मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलता है। मैंने बहुत कस्टमर्स के रिव्यू देखे हैं और उसमें सस्पेंशन में नॉइज़ आने की प्रॉब्लम बताई गई है, बट एज सच मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती। मुझे भी 1 ईयर हो चुका है इसको चलाते हुए, बट इसके इन सस्पेंशन को लेकर ड्राइविंग प्लेजर सब चीज़ अच्छी है। इसमें फ्रंट में आपको मैकपर्सन स्ट्रट मिलता है एंड रियर में आपको कपल टॉर्जन बीम एक्सल ऑफर किया जाता है। और बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि हर एक ग्रैंड आइटन में फेस की जाती है, वो है इसका रस्टी एग्जॉस्ट। रस्टी एग्जॉस्ट इसके बारे में बात करते हैं कि ये लास्ट प्रॉब्लम जो है ग्रैंड आइटन का एग्जॉस्ट पाइप बहुत ही जल्दी रस्ट पकड़ता है एंड टाइम के साथ साथ आपको रस्ट देने को देखने के लिए मिलती है एग्जॉस्ट पे, जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकता है आगे। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम दे देगा आगे जाके। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो कि है एंटी रस्ट कोटिंग। अगर जो गाड़ी है उस पर एंटी रस्ट कोटिंग हो रखी है तो उसमें आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो जब भी कोई कस्टमर यूज्ड ग्रैंड आइटन लेने के लिए जाता है तो वो एक बार इसका एग्जॉस्ट पाइप ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रही है हुंडई ग्रैंड आइटन के साथ। बाकी यही सब थी कुछ कॉमन प्रॉब्लम हुंडई ग्रैंड आइटन के साथ। अगर आपने भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस की है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी यूज़ कर लेने जाते हैं एंड आपको उसको चेक कर सकते हैं बिना किसी मैकेनिक के साथ, या बाय चांस आपको कोई भी मैकेनिक नहीं मिलता या मैकेनिक बिज़ी है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप गाड़ी को चेक नहीं कर सकते। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिसे आप खुद इंस्पेक्ट कर सकते हैं यूज्ड कार, और फ्रॉड होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर बना दूंगा। एंड ओवरऑल आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।